अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहे व्लॉग्स। और मैं आज लेकर आई हूँ एक और वीडियो, और इस वीडियो में भी मैं बताने वाली हूँ कि अंडर 2000 में आप किसी और स्टोर से किस तरह की बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो यहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं उसका आई लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और पहली वाली वीडियो में मैं कहीं और गई थी और आई के लिए शॉपिंग करी थी अंडर 2000, और आज मैं गई हूँ किसी और स्टोर पे और मैंने डिफरेंट शॉपिंग की, जिसमें किचन वेयर भी है, विंटर क्लोथ्स भी हैं, मेकअप भी है, और वो मैंने की है अंडर 2000 रुपीज़। इवन मैं उसको अंडर 2000 नहीं कहूँगी, वो 1500 के भी अंदर है वो शॉपिंग, पर अंडर 2000 मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऑब्वियसली अंडर 15000 लिखना थोड़ा अजीब लगता है, 1500 लिखना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए ऑब्वियसली आपको जो है थंबनेल बनाना होता है, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना होता है, अपना टाइटल देना होता है, तो टाइटल में हमेशा जो है पहली वीडियो में भी यही दिया और इस बार भी यही दूंगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि मैं 2000 के अंदर क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, और अगर आपको प्राइजेस भी साथ साथ बताऊँगी ताकि आपको प्राइजेस का अंदाज़ा हो जाएगा और आप भी जल्दी से जाएंगे और जाके सर्दियों की तैयारी करेंगे, और अगर मेरी चीज़ों में से कोई चीज़ पसंद आए तो आप एग्जैक्ट चीज़ भी लेकर आ सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, देखो मैं हाथ इतने हिलाती हूँ, क्या करूँ यार, मजबूर हूँ। खैर, पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मैं चेस वैल्यू बहुत ज़्यादा जाती हूँ। बहुत ज़्यादा से मुराद के कभी भी कोई चॉइस करनी होती है किसी स्टोर की, तो चेस वैल्यू सेंटर पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ता, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके दिखाती हूँ कि क्या लेकर आई हूँ। अच्छा जी, तो पहली चीज़ मैं वो ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं लाई हूँ स्टोरेज बॉक्स, और ये इतना क्यूट स्टोरेज बॉक्स है, ये देखें, ये पैक ऑफ टू है, और ये है 150 रुपीज़ का पैक ऑफ टू, इसके अंदर आया था, तो ये मैंने ऑलरेडी खोल लिया। एक्चुअली इससे पहले मैंने वीडियो शूट करी थी और उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था बैकग्राउंड आवाज़ों का, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दी और मैं उसको बंद करके वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मैं अब दोबारा से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इवन दो मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी, अब मैं फिर से मेहनत करूँगी और फिर से ये वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी। खैर, दूसरी चीज़ आ गई, ये शूज़, ये आयल के मैंने शूज़ लिए हैं, और एक और शूज़ दिया था वो मैं पहना चुकी हूँ, उससे नहीं दिखा रही। ये 150 रुपीज़ के शूज़ हैं। उसके बाद एक टी शर्ट ली है जिसके प्राइस हैं 300 रुपीज़, बड़ी अच्छी सर्दियों के हिसाब से, एक तो क्वालिटी अच्छी है, प्राइस बहुत कम है, और विंटर मटेरियल है, तो तीनों चीज़ें 3 in 1 हो गया ये। तो ये देखें, इसका कलर भी बड़ा अच्छा है, ये देखें इसका कलर भी अच्छा है, यहाँ पे एडिडास लिखा हुआ है, सिंपल से कलर की है, और ये सर्दियों के हिसाब से बड़ा अच्छा मटेरियल है कि इसमें आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। इसके अंदर उनके पास बेतहाशा डिज़ाइंस थे, बेतहाशा कलर्स थे, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, मुझे ये कलर समझ आया इसलिए मैंने ये कलर लिया, और इसके प्राइस 300 बता दिए हैं मैंने। ओके जी, अब आ जाते हैं इनर्स पे। विंटर की मैंने इनर्स ली है आहिल के लिए, और ये ईच इनर है 100 रुपीज़ ओनली। कैन यू इमेजिन कि 100 रुपीज़ में आपको ये मटेरियल, इतना अच्छा मटेरियल, क्वालिटी भी अच्छी है। ये कॉट्राइल है जो आर्मी वाला है, दिस वन, दिस इज मे कॉट्राइल फैब्रिक, और जो ये वाला है ये है कॉटन फैब्रिक, और ये इनर्स हैं, बड़े अच्छे सर्दियों में बच्चों को अंदर पहनाने के लिए पहले इनर पहनाएं, उसके बाद प्रॉपर उनको कपड़े पहनाएं, ड्रेसअप करें, और इवन दो आप इसके साथ क्या मिक्स एंड मैच कर सकते हैं कि एक प्लेन कलर की टी शर्ट पहनाइए और उसके ऊपर आप ये इनर पहना दें, और इतना अच्छा स्टाइलिश से लगते हैं बच्चे, बहुत एक अच्छा सा, आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, मैंने कैप भी ली है आयल की, और ये वूल के मटेरियल की कैप है, ये देखिए कितनी प्यारी है, यहाँ पर कार्टून ऐसे स्टिक हुआ हुआ लगा हुआ है, और ऐसा ग्रीन कलर का आयल का ना ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बो का एक ड्रेस है, तो मैंने उसकी वजह से एक लिया है। आयल वैसे कैप्स नहीं पहनता, वो इरिटेट होता है, रोता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि पहन जाए, पहन ले, क्योंकि मुझे बच्चों पर कैप्स
बहुत पसंद है। तो खैर अब मैंने ली है आहिल की, तो मैं हाई नेक वहाँ से लेकर आई थी पुरानी जिस स्टोर से पहले जो वीडियो मैंने शेयर करी। ये नायल की हाई नेक मैंने चेस से ली है और इसके प्राइस हैं 150 यार, मतलब 150। और आपको सिर्फ सर्दियों में पहनाना होता है। एंड आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ विंटर्स में महंगी शॉपिंग ना किया करें। उसका आपको नुकसान ये है कि अगर आप कराची से हैं तो सिर्फ 2 से 3 महीने की सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा कोई सर्दी नहीं होती। हाँ बच्चों के लिए होती है, पर आप सर्दियों में कम इन्वेस्ट करें। और जो पंजाब साइड पे रहते हैं वहाँ तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको लगता है कि आप कपड़े सर्दियों के सर्दी बनाते हैं और फिर उसको बाद में रख देते हैं गर्मियों में और फिर आप दूसरे साल चला लेते हैं तो दैट्स ओके। पर कराची वालों के लिए तो मेरा मशवरा है कि कभी भी सर्दियों के कपड़ों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत किया करें। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, हर साल बच्चों के जब कपड़े लेती हूँ, एक तो मैं बहुत रीज़नेबल प्राइस वाले लेती हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती, और थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेती हूँ कि वो अगले साल भी चल जाए। तो कुछ पिछले साल के कपड़े ऐसे हैं नायल के जो इस साल भी चलेंगे। तो ये एक ब्लू कलर की है हाई नेक, ये देख लें। स्कूल वगैरह के लिए ऑब्वियसली बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं तो बड़ा उनको जो है सर्दी वर्दी लगती है, तो इस वजह से। और ये एक पिंक कलर की हाई नेक है, ये रही। और ये भी बहुत प्यारी सी हाई नेक है और ये कलर बड़ा प्यारा है और नाइल के ऊपर ये कलर बहुत सूट करेगा। 3 चीज़ें रह गई हैं और मैंने लिए हैं ये ग्लासेस। अच्छा, ये ग्लासेस यहाँ से लेने का, वैसे मैं लेती नहीं हूँ चेस से कभी ग्लासेस, पर मुझे इसका फ्रेम बहुत अच्छा लगा। मेरा वेट बढ़ने के साथ जो फेस है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया, और जो मेरे पुराने सारे ग्लासेस हैं, मेरे पास बहुत सारे ग्लासेस हैं, पर उन सब के फ्रेम्स छोटे थे मेरे पहले फेस के फीचर्स के हिसाब से, क्योंकि मेरा पतला पहले चेहरा था, मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब वो मुझे इस अभी ऐसे चबी फेस पे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैंने ये बड़े फ्रेम का जो है ग्लासेस लिया है। और ये सूट भी कर रहा है, सूट कर रहा है, तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, जोएब को भी अच्छा लगा है। इसके लिए भी पिक्चर चाहिए यार, और मैं कोशिश कर समटाइम्स आई फील कि मेरी घर में पर्सनैलिटी जो है ना बड़ी बड़ी डोमिनेटिंग और बहुत समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, और मैं बड़ी खामोश मिजाज हूँ वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम, पर वीडियो में आके मेरे अंदर की कोई जिन्नात या जिन नाऊज़ बिल्ला नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे अंदर का पता नहीं कौन सा जो है वो एक साइड निकल आती है जो आप लोगों के सामने निकलती है। अच्छा जी, तो 2 चीज़ें रह गई हैं, एक रह गई ये लाइनर। अच्छा, मैं ड्रग स्टोर हाई एंड का लाइनर यूज़ करती हूँ, मेरे लाइनर्स ख़त्म हो गए हैं। वेट एंड वाइल्ड मेरा फेवरेट है जो कि ख़त्म हो चुका है। अभी मेरा इरादा नहीं था लेने का, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेकअप वीडियोज़ और मेकअप की पिक्चर्स वगैरह नहीं ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी नहीं लिया। अच्छा, ये लाइनर जो है ये सिर्फ 100 रुपये का था, 100 रुपीज़ का, और जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मैं मैट लाइनर लेती हूँ, क्या कहते हैं उसको, वाटरप्रूफ लाइनर्स नहीं लेती क्योंकि वो मेजॉरिटी शाइनी होते हैं, मुझे शाइनी लाइनर्स नहीं पसंद। उसने मुझे कहा कि जी ये है वाटरप्रूफ नहीं है और ये मैट है, तो अभी ट्राई करते हैं। वैसे मैं आप लोग को बता दूँ, जो मैं वीडियो बना रही थी ना इससे पहले और जो मैंने डिलीट मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें मैं ये क्लिप बना चुकी हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव जो होती है ना मेकअप की, मेजॉरिटी पाकिस्तान में उनको इतनी ज़्यादा ना नो हाउ नहीं होती मेकअप की, वो सिर्फ अपनी जॉब और या ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछती भी नहीं हूँ कभी। पर सारे कियोस्क बंद हो चुके थे, वहाँ पे एक बंदी काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने उससे पूछा, जो उसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, ये मैट नहीं है, ये वाटरप्रूफ है और ये शाइनी है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख रहे हैं ये शाइनी है, ये मैट नहीं है। और मुझे मैट जो है ना वो, मुझे शाइनी लाइनर्स नहीं पसंद। अब पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं इसको यूज़ करूँगी, ऑब्वियसली पैसे तो नहीं बर्बाद करूँगी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने ये टिंट लिया है, जब से टिंट का फैशन चला, यू वोंट बिलीव कि मैंने अभी तक टिंट यूज़ नहीं किया, पर अब मैं करूँगी क्योंकि ये मुझे वहाँ नज़र आ गया और मैंने ले लिया। और इसका शेड बड़ा प्यारा है, ये देख लें, ये इसका शेड है। और
अब मैं जो है ना इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है गेट रेडी विद मी, तो उसमें मैं ये लाइनर भी यूज़ करके दिखाऊंगी और ये टेंट भी यूज़ करके दिखाऊंगी। डे वाली लुक करूंगी मैं, ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा जो है पता चल जाए कि डे मेकअप या डे लुक किस तरह से कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज आज के लिए था ये सारा हॉल, आई होप कि आपको पसंद आया। अगर नहीं भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई प्राइजेस कंफर्म करने हो आपको तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है 1450 रुपीज़ में आई थी, अंडर 2000 रुपीज़, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है रीज़नेबल है कि नहीं है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये मैं लेकर आई हूँ चीज़ें गुलशन वाला जो चेस वैल्यू सेंटर है वहाँ से, क्योंकि वो एक तो बड़ा है और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एक मैंने ये क्लिप भी लिया था वहीं से, ये 25 रुपीज़ का क्लिप था। तो मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, जो प्राइस होते हैं मैं एज इट इज़ आप लोग को वही बता देती हूँ। अगर मैं कभी ब्रांडेड कोई शॉपिंग करूँ या कुछ करूँ, और अगर आप लोग को उस हवाले से भी कोई वीडियो देखनी हो तो मुझे बताइएगा। मैं ब्रांडेड चीज़ों की वीडियोज़ इसलिए नहीं करती कि उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, और मैं ये वाली वीडियोज़ भी मैंने कम कर दी है, मतलब मैं अब हमेशा नहीं दिखाती। ये स्पेसिफिकली अंडर 2000 की बजट की वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो सके, जो लोग ऑब्वियसली थोड़ा अंडर बजट रह के चीज़ें खरीदना चाहते हैं और अच्छी चीज़ें खरीदना चाहते हैं। तो कराची में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप कम पैसों में बहुत बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हैं। नाइल मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मामा वीडियो ख़त्म करें तो वो उस साइड पर जाएँ। तो खैर एनीवेज मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला की अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।